नमस्ते, आज हम लोग ईमेल के बारे में जानेंगे कि ईमेल क्या होता है। और इससे पहले मैं क्लास 9 क्लास 10 कृतिका क्षितिज स्पर्श संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। क्लास 7 क्लास 8 का भी बहुत सारा मैं वीडियो बना चुकी हूँ। व्याकरण भी मैं आसान रूप से पढ़ाई हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए। देव जनागरी स्पेलिंग है DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई आसानी से हो जाएगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं कि ईमेल क्या होता है। पूर्व समय में हमें जब कभी किसी को संदेश पहुंचाना होता था तो हम चिट्ठी का उपयोग करते थे। वह इंतजार रहता था कि कितने दिन में हमें उसका जवाब मिलेगा। तो यह हम लोग जानते हैं कि कुछ ही समय की बात बता रहे हैं, करीब 10 साल 15 साल पहले की बात है। उस समय क्या होता था, अगर कोई भी किसी को संदेश पहुँचाना होता था या घर में कोई परेशानी हो, कोई खबर देना होता था अपने रिलेटिव को, तो क्या होता था, बहुत ही इंतजार करना पड़ता था। क्योंकि एक एक चिट्ठी जो होती थी करीब 10 दिन 15 दिन में पहुंचती थी। अब 15 दिन 10 दिन का लोग इंतजार करते थे। लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है, टेक्नोलॉजी इतना विकास कर गया है कि सारा काम अब छुमंतर में हो जाता है, मतलब बहुत ही आसान रूप में हो जाता है। आज के समय में विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि हमारी इस समस्या का भी समाधान हो गया है। हम लोग जो एक चिंता में रहते थे अपने समस्या को लेकर के, कि कोई भी बात अगर बाहर रिलेटिव को पहुंचाना होता था तो एक समस्या बन जाती थी कि पता नहीं कब इसका जवाब आएगा और कब इसकी जानकारी मिलेगी, तो यह सब अभी सॉल्व हो गया है। ईमेल, इस शब्द से आज कोई परिचित नहीं है। ईमेल, बहुत लोग ऐसे हैं कि ईमेल शब्द से लोग परिचित नहीं हैं। ईमेल वह तकनीक है, तो ईमेल के बारे में हम लोग जानते हैं कि ईमेल वह तकनीक है जिससे हम कोई भी संदेश मैसेज किसी तक भी कुछ क्षणों के अंतराल में ही पहुंचा देते हैं, मतलब कुछ ही समय के अंतराल में वह मैसेज पहुंच जाता है। हालांकि ये कार्य तो मोबाइल से भी संभव है, पर जीवन के कुछ क्षेत्रों में जैसे कि व्यापार, दफ्तर, सरकारी कार्यालय, बैंक इत्यादि में जहां हमें कुछ नियम का पालन करना होता है एवं जहाँ किसी भी तरह की बातचीत या आवेदन को अनुशासन में लिखना होता है, वहाँ हमें ईमेल का उपयोग करना पड़ता है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि ऐसा है कि मोबाइल से हम लोग कोई भी बात मतलब ईमेल कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक डिसिप्लिन से काम किया जाता है। ईमेल के तहत यह संभव है, जैसे कि व्यापार, दफ्तर, सरकारी कार्यालय, बैंक इत्यादि में जहां कुछ एक नियम बने होते हैं तो उस नियम के तहत लोगों को ईमेल करना पड़ता है एवं जहां किसी भी तरह की बातचीत या आवेदन को अनुशासन में लिखना होता है, मतलब एक डिसिप्लिन के साथ उसमें लिखा जाता है, वहां हमें ईमेल का उपयोग करना होता है। तो अभी हम लोग जान गए कि ईमेल को किस तरह से उपयोग करना चाहिए। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह हम लोग जान लें अच्छी तरह कि ईमेल का मीनिंग मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल चिट्ठी भेजने का आधुनिक माध्यम है। आजकल के समय में ईमेल जो है एक माध्यम है चिट्ठी भेजने के लिए। लोग ईमेल से ही सारे काम कर लेते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में, घरों से लेकर सरकारी दफ्तरों, कार्यालयों, अदालतों, स्कूलों, कॉलेजों आदि जगहों पर ईमेल को सूचना भेजने तथा प्राप्त करने का आधिकारिक तरीका बना लिया गया है। अब क्या हो गया है, सरकारी दफ्तर, कार्यालय, अदालत, स्कूल, कॉलेज आदि सभी जगहों पर ईमेल से ही सूचना भेजा जाता है। यह चिट्ठी के समान ही होता है। पत्र और ईमेल में इतना ही अंतर होता है कि पत्र को कागज पर लिखा जाता है और ईमेल को कंप्यूटर पर लिखा जाता है। तो कंप्यूटर पर जब हम लोग लिख देते हैं तो मिनटों में यह खबर हर जगह पहुंच जाता है। आगे बताया जा रहा है कि साधारण पत्र लिखते समय उनमें प्राप्त करने वाले का नाम होता है, पता, संदेश और
पत्र भेजने वाले का नाम होता है। साधारण पत्र जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम पता और संदेश क्या भेज रहे हैं, मैसेज वगैरह लिखा होता है, और पत्र भेजने वाला का नाम भी होता है। उसे पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, प्राप्त करने वाले के पास कुछ दिनों में पत्र चला जाता है। इसी तरह ईमेल में भी प्राप्त करने वाले का नाम होता है, पता, ईमेल आईडी होता है और संदेश लिखते हैं। तो अब हम लोग जान गए कि ईमेल में क्या क्या लिखना पड़ता है। इसमें भी नाम लिखना पड़ता है, पता लिखना पड़ता है, ईमेल आईडी देना पड़ता है और संदेश मैसेज देना पड़ता है, किस लिए हम लिख रहे हैं, किस कारण से। तो ईमेल में संदेश भेजने वाले का नाम स्वतः संदेश पाने वाले के पास चला जाता है। तो ईमेल में क्या होता है, संदेश भेजने वाले का जो नाम होता है वह स्वतः ही संदेश पाने वाले के पास चला जाता है, मतलब पता चल जाता है कि ईमेल पहुंच गया है। इसके बाद सेंड पर क्लिक करना होता है, सेंड पर क्लिक करना होता है, मतलब दबाना पड़ता है। ईमेल कुछ ही सेकंडों में भेजने वाले के पास पहुंच जाता है। इसकी गति साधारण पत्र से ईमेल को अलग बनाती है, मतलब इसकी स्पीड काफी होती है और साधारण पत्र से ईमेल को अलग बनाती है। मतलब साधारण पत्र में क्या होता है, अधिक टाइम लगता है, 8 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसे भी लग सकते हैं, लेकिन यह जो होता है इसकी गति स्पीड में पहुंच जाता है, हर जगह तुरंत खबर चला जाता है। तो दुनिया भर में लोग एक दूसरे को मेल भेजते हैं तथा प्राप्त करते हैं। आप अपने दोस्त, परिवारजन, सहकर्मी, बॉस आदि को ईमेल भेज सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दुनिया भर में लोग एक दूसरे को मेल भेजते हैं। आजकल देखते होंगे हर जगह मेल आता है, कोई भी जानकारी होता है। तो आप अपने दोस्त, परिवारजन, सहकर्मी, जो आपके रिलेटिव हैं, बॉस आदि को ईमेल भेज सकते हैं। इसके लिए बस आपको ईमेल आईडी, इंटरनेट और एक ईमेल प्रोग्राम की जरूरत होती है। प्रायः आजकल विद्यालय में भी अभिभावकों को ईमेल के द्वारा ही सूचना आदान प्रदान किया जाता है। आजकल क्या हो गया है, विद्यालय में भी जो पेरेंट्स होते हैं उनसे भी ईमेल के द्वारा ही सूचना उनको दिया जाता है। नीचे लिखे ईमेल को ध्यान से समझिए। इसके द्वारा अभिभावकों को शुल्क भरने की अंतिम तिथि के बारे में सूचित किया जा रहा है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि ईमेल किस तरह से अभिभावक, जो पेरेंट्स होते हैं, उसको स्कूल से किस तरह से ईमेल भेजा जाता है, तो इसके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। तो नीचे देखिएगा, स्क्रीन पर सारा दिया हुआ है, न्यू मैसेज, ABCD, ये सब जो है सब मेल कॉम लिखा हुआ है। विद्यालय का शुल्क भरने की अंतिम तिथि, तो अंतिम तिथि आ गई है, लास्ट स्टेज है और शुल्क भरना, फी भरना जरूरी है, इसीलिए अभिभावक को सूचना देना है। तो किस तरह से ईमेल के द्वारा सूचना दिया जाएगा, लिखा जाएगा कि प्रिय अभिभावक कोमा, आपके हर समय अनुसार सहयोग के लिए धन्यवाद। आपको अग्रिम सूचना दी जाती है कि विद्यालय का शुल्क भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। कृपया शुल्क नियम समयानुसार भर दें। समय पर शुल्क न भरने की स्थिति में 100 रुपया अतिरिक्त का भुगतान करना होगा। यानी अगर आप समय पर जो है शुल्क नहीं भरेंगे, फीस नहीं देंगे, तो 100 रुपीज अधिक लगेगा आपको। आपके प्रभारी सविता सिंह। तो इस तरह से देखें, नीचे में इस तरह दिया हुआ है, चिन्ह वगैरह जो दिया हुआ है किस तरह से सेंड करेंगे, तो यह सब दिया गया है। तो इसकी जानकारी थोड़ी सी लेनी होती है कंप्यूटर पर, जो जानकार व्यक्ति होते हैं, और बस तुरंत समझ में आ जाता है कि किस तरह से ईमेल किया जाता है। ऊपर लिखित ईमेल में पहली पंक्ति में उन अभिभावकों का ईमेल आईडी दिया गया है जिसके लिए ये सूचना है, और दूसरी पंक्ति में प्रकरण के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया जाता है जिससे मेल करने के विषय के बारे में जानकारी मिल सके।
और तीसरा पॉइंट है कि तीसरे भाग में पूरा विषय विस्तार में लिखा जाता है एवं उसके बाद सेंड बटन को क्लिक किया जाता है। जैसा कि अभी विस्तार में यह लिखा गया है प्रिय अभिभावक, और फिर जो है इसको क्या किया जाता है, सेंड बटन को क्लिक किया जाता है और यह ईमेल सारे अभिभावकों को कुछ ही क्षणों में पहुंच जाता है। तो पहले के समय में क्या था, हर पेरेंट्स स्कूल जाते थे, एक एक बात की जानकारी लेते थे, फी वगैरह के बारे में वहां जाना पड़ता था। तो अभी क्या हो गया है, अभी समय की बचत भी हो गई है, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है तो सबके लिए यह काम आसान हो गया है। तो पेरेंट्स को अभी स्कूल तक पहुंचना भी नहीं पड़ता है और आराम से ईमेल के द्वारा सारी बातों की जानकारी भी हो जाती है। और ईमेल के द्वारा जब उनको यह जानकारी हो जाती है कि उनको फीस भरना है, स्कूल का फीस देना है, तो वे अपना मोबाइल से ही अकाउंट से वहां से पैसे भेज देते हैं। तो यह सब इसमें दिया गया है। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा और आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद।